बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी दीबो खान ब्यूटी टिप्स, वेलकम टू माय चैनल। जी जनाब, आज की वीडियो में आपके साथ मुल्तानी मिट्टी फेस पैक शेयर किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको मुल्तानी मिट्टी के जो मैजिकली बेनिफिट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। मुल्तानी मिट्टी स्किन पर एक मैजिक की तरह काम करती है, स्किन में ग्लो ऐड करती है, स्किन को टाइटन अप करती है, एक्नी और पिंपल से बचा कर रखती है। ये स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए एक मैजिक का काम करती है, स्किन के पोर्स को टाइटन अप करती है और एक्स्ट्रा सीबम को अब्जॉर्ब करती है, स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और सपल बनाती है, चेहरे में मौजूद तमाम इम्प्योरिटीज़ डस्ट को रिमूव करती है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने का काम करती है। यानी कि सिर्फ एक मुल्तानी मिट्टी और उसके हज़ारों फ़ायदे। जी जनाब, समर में मुल्तानी मिट्टी फेस पैक को अपनी रूटीन में ऐड कर लें। चलिए, आज के फेस पैक के लिए हमें सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, जिसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मुल्तानी मिट्टी। तो जनाब, अपनी रेमेडी को स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज की रेमेडी आपने किस तरह प्रिपेयर करनी है। जी जनाब, हम अपनी रेमेडी को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है मुल्तानी मिट्टी, आपके पास जिस कंपनी की भी है, कैसी भी है, आप उसको यूज़ करेंगे। मुल्तानी मिट्टी का कोई भी नुकसान नहीं है, इसके हज़ारों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो जनाब, 2 स्पून मुल्तानी मिट्टी के ऐड करूँ। इसके बाद इसके अंदर जो सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड होगा वो होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप प्लांट वाला भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास मार्केट बेस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 स्पून जो भर के इसमें एलोवेरा जेल का ऐड होगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होगा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है आपने उतना ऐड करना है जितना कि ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। मैंने इसमें 2 स्पून भर के ऐड किए हैं, अगर मुझे इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम मैं इसके अंदर मज़ीद भी ऐड कर लूँगी। लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर ऐड होने वाला है वो है टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी, पिंच इसमें हल्दी का जाएगा। जी जनाब, अब हमने क्या करना है कि इन चारों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये कुछ इस तरह सा क्रीमी सा पेस्ट बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको अपनी फेस पर अप्लाई कर लेना है। फेस पे आपने इसमें इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने हल्के हैंड्स के साथ इसका मसाज करना है और मसाज करने के बाद इसको आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको आपने ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद आपने रोज़ वाटर का स्प्रे करना है। जी जनाब, ये थी एक क्विक सी और सिंपल सी रेमेडी, लेकिन इसके फ़ायदे हज़ारों हैं। आप समर में इसको अपनी रूटीन में ऐड करें और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको डेली यूज़ करें, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपने इसको यूज़ करने के बाद रोज़ वाटर का स्प्रे जो है वो मस्ट करना है। तो जनाब, मेरी इस रेमेडी से यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस रेमेडी को आप यूज़ करें, यूज़ करने के बाद मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।